तो हेलो गाइस, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से जो दूसरा टॉपिक है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली डिफिनेशन लिखी है उसमें लिखा है, अ कंप्यूटर हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक अ वाइटली इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वो हमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती है, जैसे कि स्पीड। फर्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो स्पीड, अ कंप्यूटर इज सो फास्ट दैट इट कैन परफॉर्म द गिवन टास्क इन अ फ्यू सेकेंड, एज कंप्यूटर टू मैन वो विल हैव टू स्पेंड मंथ्स फॉर डूइंग द सेम वैल्यू ऑफ टास्क। स्पीड यानी कि कार क्षम उसकी जो स्पीड होती है, कोई भी चीज़ जिसे हम उसको डेटा देते हैं वो कितनी स्पीड में कैलकुलेशन कर देता है कंप्यूटर, उस कंप्यूटर की जो स्पीड है वो उसकी एक विशेषता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ उसको कैलकुलेट करने के देते हैं वो कुछ सेकंड में उस चीज़ को कैलकुलेट करके आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता है, वो आपको एक स्पीड दिखाता है। और जो दूसरा उसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है उसकी एक्यूरेसी, यानी कि वो कितना एक्यूरेट बताता है, वो सही बताता है या गलत, उसी को उसको एक्यूरेसी कहते हैं। वाइल डूइंग कैलकुलेशंस अ कंप्यूटर इज मोर एक्यूरेट देन अ मैन, मैन कैन मेक मिस्टेक्स इन अ कैलकुलेशन बट अ कंप्यूटर डज नॉट इफ इट इज प्रोवाइडेड विद एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हो कि कंप्यूटर जो है वो एक आदमी से भी ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ को कैलकुलेट करके देता है। अगर वो व्यक्ति खुद इंस्ट्रक्शन में गलती ना करे तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ गलत नहीं करता है, यानी कि कंप्यूटर फुल एक्यूरेट जो आपको डेटा देता है वो आपको फुल 100% एक्यूरेट देता है, अगर यूज़र ने उसको गलत ना किया, क्योंकि जो यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा वो उसी के हिसाब से वो कंप्यूटर अपना एक्यूरेट जवाब देगा। उसके बाद तीसरी जो हेडिंग है वो है कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी क्षमता कितनी है। कोई भी चीज़ अगर हम डेटा देते हैं उसको स्टोर करके कितनी देर, कितना वो अपने अंदर एक डेटा को स्टोर करके रखा है, यानी कि उसका स्टोरेज कितना है, वो कैपेसिटी उसकी कितनी है। इट्स अप्रोप्राइवेट एटमोसफियर इज प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर देन कंप्यूटर कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स 365 डेज विदाउट टेयरिंग एंड टेकिंग रेस्ट। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करता रहेगा तब भी वो रेस्ट नहीं लेगा, यानी कि वो पूरे 24 घंटे 365 दिन लगातार कंटिन्यूअस वो वर्क करता रहेगा जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे।